सब यूट्यूबर्स और जय हिंद। मैं आयुष यादव एक बार फिर हाजिर हो चुका हूँ एक अच्छा वीडियो लेके। ठीक है, और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आप लोगों की काइट पेपर्स क्या होते हैं। ठीक है, काइट पेपर्स क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या प्राइस होता है। ठीक है, और यदि आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में क्या कहते हैं काइट पेपर्स आपको कहाँ मिल सकते हैं, क्या रेट में मिलेंगे, और एक दिल्ली की शॉप जो काइट पेपर्स को कूरियर कर देती है। ठीक है, तो वीडियो आखिरी तक देखना और एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, एक शेयर कर देना और यार बेल आइकन तो दबा ही देना। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि काइट पेपर क्या होते हैं। यूजली हम लोग के यहाँ बहुत सारे पेपर मिलते हैं यार। कुछ हम लोग के यहाँ रिसाइकल पेपर होते हैं यार, कुछ हम लोग के यहाँ नॉर्मल जो कॉपी में यूज होते हैं, और कुछ क्या कहते हैं यार बहुत पतले पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो यार यूजली काइट पेपर क्या होता है, इसका क्या जरूरत हम लोग को काइट में। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक रिसाइकल पेपर है। ठीक है, ये थोड़ा मोटा है, एक्चुअली मैं कहूंगा काफी मोटा है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी पतंग उड़ाएंगे तो पतंग स्टेबल होगी नहीं। ठीक है, और ये आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कहीं ये थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, कहीं थोड़ा पतला होता है। आपको ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, बट आप क्या कहते हैं यूजली क्या कहते हैं जब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे या फिर क्या कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ोगे, तब तेरे को पता चलेगा कि यार कहाँ वेट ज्यादा है कहाँ कम है। ठीक है, यूजली हम लोग के यहाँ जो कॉपी होती है, कॉपी में क्या कहते हैं ऐसे यार ये कॉपी होती है। ठीक है, देख सकते हो ये भी पेपर बहुत मोटा है यार। इससे हम लोग पतंग बनाएंगे तो यार पतंग तो उड़ेगी नहीं यार, हम लोग का दिन बर्बाद भी हो जाएगा। ठीक है, तो यूजली क्या कहते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं काइट पेपर। ठीक है, ये काइट पेपर होता है इस टाइप का, आप देख सकते हो ये काफी पतला है। ठीक है, काफी पतला है ये काइट पेपर, और बहुत क्या कहते हैं एक साइड क्या कहते हैं हम लोग का रफ है और एक साइड क्या कहते हैं थोड़ा स्मूथ है। ठीक है, अब रही बात ये काइट पेपर की। ठीक है, इसलिए हम लोग काइट पेपर यूज करते हैं, क्या कहते हैं क्योंकि ये प्लस क्या कहते हैं दो प्लस पॉइंट होते हैं इसके। एक तो ये बहुत हल्का होता है, हवा में इजिली उड़ जाएगा। दूसरा इसको क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं बड़े आराम से पतंग उड़ा सकते हैं, पतंग इसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको कोई हेक्टिक नहीं होना पड़ेगा। और क्या कहते हैं तीसरा एक और चीज होती है, ये काफी सस्ता मिलता है नॉर्मल पेपर से। ठीक है, अब हमारे पास यार कौन कौन से काइट पेपर आते हैं यार, 21st सेंचुरी चल रही है यार। ठीक है, तो 21st सेंचुरी में यार अलग अलग तरह के काइट पेपर भी आएंगे। तो ये आप जो देख रहे हो ये है क्या कहते हैं खतीमा पेपर। ठीक है, खतीमा पेपर ये देख सकते हो आप, ये खतीमा पेपर जो होता है एक साइड रफ होता है और एक साइड स्मूथ होता है। जो स्मूथ होता है वो पतंग का क्या कहते हैं फ्रंट हिस्सा होता है। ठीक है, जहां पर काफ ठंडे नहीं दिखते हैं, और जो ये पिछला ऐसा होता है इधर काफ ठंडे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो चल हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट पेपर अपना देख लेते हैं दोस्त। ये हम लोग का क्या कहते हैं अजंता पेपर है। ठीक है, अजंता पेपर देख सकते हो भाई लोग क्या कहते हैं इसमें भी एक साइड स्मूथ है। ठीक है, उसमें भी एक साइड स्मूथ है और एक साइड जो पीछे वाला है ये बहुत ज्यादा रफ है। मैं इसमें क्या कहते हैं फ्रिक्शन फील कर सकता हूँ अपनी उंगली से। अजंता में क्या कहते हैं आप फ्रिक्शन फील कर सकते हो, और क्या कहते हैं जो आपका खतीमा पेपर होता है इसमें आप फ्रिक्शन फील नहीं कर सकते। ठीक है, यही डिफरेंस होती है खतीमा और अजंता की। और खतीमा जो होता है ये यूजुअली तेज हवा में फट सकता है। ठीक है, तेज हवा में फट सकता है, और ये जो अजंता होता है ये तेज हवा में नहीं फट सकता। प्लस अजंता क्या कहते हैं कभी भी नमी नहीं सोखता है। ठीक है, आपके उसमें भी उड़ा दो तो अजंता पेपर नमी नहीं सोखता है, बल्कि खतीमा पेपर जो है नमी सोख लेता है। खतीमा पेपर जो होता है वो क्या कहते हैं आपका ऑल सीजन नहीं लड़ सकता। खतीमा पेपर आपका क्या कहते हैं सिर्फ जाड़ों में लड़ सकता है, क्योंकि जाड़ों में क्या कहते हैं पतंग में खिंचाव नहीं आता धूप की वजह से। और अजंता पेपर में क्या कहते हैं सॉरी खिंचाव नहीं आता है, और खतीमा पेपर में आप क्या कहते हैं गर्मी में अगर उड़ा दोगे तो खिंचाव आ जाएगा। तो यार अजंता तो ऑल टाइम फेवरेट होगा, सबको है कि नहीं यार अजंता तो ऑल टाइम फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि यार इसमें तो बहुत सारे एडवांटेज है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अजंता पेपर में कलर्स उतने ज्यादा नहीं आते, कलर्स उतने वाइब्रेंट नहीं होते हैं, और पतंग उतनी सुंदर नहीं बनती है, इसलिए रंगीन पतंगों में अजंता बहुत कम ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब यार रही बात तीसरे बात की, यार हम लोग के पास एक और पेपर आता है, इसको बोलते हैं जर्मन पेपर। देख सकते हो ये काला जर्मन पेपर है, आप डिफरेंस देख सकते हो, ये अजंता है तेरा और ये तेरा जर्मन है। आप आवाज फील करो, देख सकते हो क्या आवाज है यार, छन छन छन, देख सकते हो कितना पतला पेपर है यार, ये तो बहुत पतला पेपर है। और ये देख तेरा अजंता, ठीक है, इसका आवाज देख तू,
डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है यार। ये पेपर जो है बहुत पतला है, और जो जर्मन पेपर होता है बहुत महंगा भी आता है। ये 5 रुपए का एक पीस आता है। अजंता आपको मिलेगा 34 रुपीज की 24 पीसेस, मतलब 1.2-1.5 के आसपास ये एक पेपर पड़ेगा, ठीक है, 1.5 रुपए का एक पेपर पड़ेगा। और ये पेपर जो है आपका 5 से 6 रुपए का एक पड़ेगा, ठीक है यार। और ये बात रही तो क्या कहते हैं, चौथा पेपर है, ये कौन सा पेपर है, ये बलदार पेपर है, ठीक है। बलदार पेपर यार अब नहीं मिलता है, ठीक है, ये मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ है, मैं तेरे को लोग को दिखाने के लिए लेके आया था भाई, और ये पेपर अब जल्दी नहीं मिलता है। तो यार क्या कहते हैं, इसमें माथा बच्ची मत करना, जिनके पास पुरानी पतंग है उनके पास रखे रहने दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पेपर बहुत जल्दी फट जाता है, ठीक है। तो बलदार पेपर यूजली बहुत ही बेकार क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो ये रही हमारे पेपर्स की बात, अब मैं बता दूं कौन कौन से कलर आते हैं। यूजली आपको क्या कहते हैं, अजंता में ब्लैक, ब्लू, रेड और वाइट मिलेगा, ठीक है। और खतीमा में आपको कलर दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए खतीमा के कलर, देखिए ये हमारा अजंता है ब्लू है, ये खतीमा है, ये खतीमा है, ये खतीमा है, ये खतीमा, ये आपका अजंता है, ठीक है, रेड बोला था मैंने, मतलब अजंता में येलो, ये खतीमा है आपका, ऑरेंज, ये खतीमा है आपका, एक और ब्लू, ये खतीमा है आपका, एक और रेड, ये भी खतीमा है। तो आप देख सकते हो यार, जो रंगीन पतंगे होती हैं वो खतीमा पे क्यों बनती हैं यार, यही वजह है, समझा भाई, यही वजह है, खतीमा पे इसलिए बनती हैं क्योंकि खतीमा जो पेपर होता है वो बहुत सारे कलर में आता है और बहुत वाइब्रेंट होता है यार, दिल खुश हो जाता है देख के, समझा, सच्ची बता रहा हूँ। मैं तो अपनी पतंगे अजंता नहीं, सिर्फ खतीमा पे ही बनवाता हूँ, ठीक है, बस यही वजह है, क्योंकि मेरे को रंगीन पतंग बहुत पसंद है। तो यार आई गाइस, मैं होप करता हूँ यार तेरे लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सॉरी वीडियो लंबा हो गया। अब मैं एड्रेस बता देता हूँ, ठीक है, मैं एड्रेस बता देता हूँ, अगर तू लोग लखनऊ में रहते हैं, ठीक है, तो लखनऊ में क्या कहते हैं, काइट पेपर 3 जगह मिल सकता है। एक तो क्या कहते हैं, जैन टोपी वाले, जो कि फूलबाग में है, फूलबाग क्या कहते हैं, चौक का जो गेट है, जो चौक दरवाजा वाला गेट है, चौक का मेन गेट जो क्या कहते हैं नखास की तरफ जाता है, उधर से आप जाओगे तो उधर से फिर फूलबाग जगह पड़ती है, ठीक है, फूलबाग जगह पड़ती है, फूलबाग वाली गली पड़ती है, फूल वाली गली उसको बोलते हैं, उधर से अंदर जाओगे तुम लोग, ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं, जैसे अंदर जाओगे तो वहां किसी से बोलना हाजी पतंग वाले, हाजी पतंग वाले की जो शॉप है, हाजी पतंग वाली शॉप के जस्ट राइट साइड तू देखेगा, ठीक है, राइट साइड एक सीढ़ी ऊपर जा रही होगी, ठीक है, एक सीढ़ी ऊपर जा रही होगी, तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ोगे तो उधर से सेकेंड दुकान जो है वो क्या कहते हैं, जैन टोपी वाले की है, और वो पतंग सॉरी कागज रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यार क्या कहते हैं, दुकान जो है तेरी एक नखास में पड़ती है, नखास में क्या कहते हैं, तेरा इमामबाड़ा एक जगह पड़ती है, ठीक है, उसके पास तू अब जाएगा हजरत अब्बासी मस्जिद के सामने से, कभी किसी से पूछ ले क्या कहते हैं यहाँ काफ ठड्डे और क्या कहते हैं कागज की दुकान कहाँ है, ठीक है, तो वो तेरे को बता देगा, वहां पर तेरे को भी कागज बहुत सारे मिल जाएंगे। तीसरी क्या कहते हैं जो शॉप है यार, वो एक सरवन जी है, ठीक है, सरवन जी वो भी क्या कहते हैं जैन है, और वो क्या कहते हैं उनकी दुकान है डंडहिया मार्केट में, ठीक है, डंडहिया मार्केट में, सरवन पतंग और कागज वाले, ठीक है, ये तो 3 क्या कहते हैं यार मैं तेरे को बता दिया, लेकिन मैं बता दूं सरवन जी के यहाँ सिर्फ खतीमा, सरवन जी के यहाँ सिर्फ अजंता पेपर मिलेगा, जो क्या कहते हैं जैन टोपी वाले हैं, जो क्या कहते हैं फूलबाग में है, उनके यहाँ आपको क्या कहते हैं खतीमा अजंता सब मिलेगा, और क्या कहते हैं जो आपका क्या कहते हैं इमामबाड़ा वाला मैं बताया, जो इमामबाड़ा कश्मीर कश्मीरी मोहल्ले के आगे इमामबाड़ा पड़ता है, ठीक है, वहां पर आप लेने जाओगे तो वहां पर क्या कहते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अजंता पेपर ही मिलेगा, ठीक है। अब रही बात क्या कहते हैं यार एक और जो शॉप है, तो एक और जो शॉप है वो क्या कहते हैं आपका जाओगे क्या कहते हैं आप मोनीपुरवा, ठीक है, मोनीपुरवा में जाओगे तो मैंने आपको जो बताया बाबूलाल की शॉप है, बाबूलाल काफ ठड्डे भी रखते हैं, प्लस वो लोग क्या कहते हैं अजंता और खतीमा कागज भी रखते हैं हर रंग का, ठीक है, लेकिन मैं बेस्ट का शॉप बेस्ट क्या कहते हैं जो पेपर वाले हैं वो जैन ही हैं, जो क्या कहते हैं आपके चौक में फूलबाग के अंदर पड़ते हैं, जो क्या कहते हैं आपका हाजी पतंग वाले के बगल जो क्या कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स के जस्ट क्या कहते हैं आप ऊपर चढ़ोगे फर्स्ट फ्लोर पे आओगे, ग्राउंड फ्लोर से नहीं फर्स्ट फ्लोर पे आप आओगे, ठीक है, तो वहां पर क्या कहते हैं सेकेंड दुकान उनकी है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा। अब गाइज यार क्या कहते हैं मैं तेरे लोग को बता दूं क्या कहते हैं जो जर्मन पेपर होता है, ठीक है, जर्मन पेपर कहाँ मिलेगा यार, बहुत लोगों का सवाल है यार, जर्मन पेपर मिलता नहीं हम लोग को, बहुत जर्मन पेपर नहीं मिलता यार।
बता दूं यार, जर्मन पेपर लखनऊ में नहीं मिलता है, ठीक है? जर्मन पेपर आपको चाहिए तो आप इनके यहाँ जाइए, ये देखिए सांची पेपर, ये चौड़ी बाजार में पड़ते हैं दिल्ली में, ठीक है? इनके यहाँ तेरे को हर तरह का जर्मन पेपर और हर तरह का काइट पेपर मिल जाएगा, जो आपको जयपुर में प्रिंटेड पेपर मिलते हैं, ठीक है? जो प्रिंटेड पेपर मिलते हैं, बटर पेपर मिलते हैं, वो भी तेरे को इनके यहाँ मिल जाएगा। बड़ी मस्त शॉप है यार, देख लेना, चेक कर लेना। इनका नंबर भी मैंने लिख दिया है, ये चौड़ी बाजार में है, सुनेजा कार्ड्स, ठीक है? ऑपोजिट सुनेजा कार्ड, सांची पेपर। तो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई क्यूरी हो तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या कहते हैं उसमें अपना इंस्टा आईडी डाल दे रहा हूँ यार, कोई भी क्वेश्चन हो पूछो बिंदास, ठीक है? और पतंगबाजी करते रहो। तब तक के लिए क्या बोलना चाहिए मुझे? हाँ, तब तक के लिए बस एक बार बोल देना, जय श्री राम और जय हिंद भाई लोग।